हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान जो कि क्लास इलेवेंथ का चैप्टर टेंथ जो कि एनसीईआरटी की बुक है, जो कि टेंथ चैप्टर है वो विकास। विकास से अभिप्राय ये हमारा ये है डेवलपमेंट, यानी हम इस वीडियो में विकास को लेके पढ़ेंगे कि विकास क्या है, विकास किस प्रकार से ज़रूरी है। तो हम इस डेवलपमेंट को लेके इस वीडियो में है बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं कि विकास, हमने पढ़ा कि विकास क्या है, तो विकास क्या है इस वर्ड से हमारा क्या अभिप्राय है, तो हम इसको समझेंगे। यानी विकास के तौर पे हम देखें तो विकास क्या है, तो जो आर्थिक विकास यानी जो हमारा इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है कि दर में वृद्धि होना और समाज का आधुनिकरण के संदर्भ में विकास को लिया जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारी किसी भी देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें एक तरह से बढ़ावा मिले, उसे प्रोत्साहन मिले, इकोनॉमी है वो बढ़े, देश की जीडीपी बढ़े। साथ ही साथ जो इस अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो समाज है, जो वहाँ की जो सोसाइटी है, उसके उसका आधुनिकरण होगा और कहीं ना कहीं सोसाइटी एक तरह से जो मूलभूत आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स है, कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति होगी और वो समाज है वो पूरी तरह से संपन्न होगा। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में विकास को समझते हैं। हम देखते हैं कि विकास में विकास, उन्नति, प्रगति, कल्याण, बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का ये वाहक है। इसमें हम देखते हैं कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि को भी शामिल किया जाता है। यानी एक विकास में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ जो व्यक्ति का जो जीवन है उसकी भी प्रगति हो रही है, उसका भी कल्याण हो रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं, जो चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी गुणवत्ता में है वो वृद्धि हो रही है और व्यक्ति को वो सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। आगे हम देखते हैं कि विकास की दृष्टि से हम देखें तो हम देखते हैं कि विश्व में हमें तीन भाग हैं, यानी तीन टाइप के विकास हमें देखने को मिलते हैं। यानी हम एक देश के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो कि विकसित देश है। हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि ऐसे कौन से देश हैं जो कि विकसित देश हैं, डेवलप है, ऐसे कौन से हैं कि डेवलपिंग है, ऐसे कौन से हैं जो अल्प विकसित देश हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो विकास के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर देश की बात करें तो हम देखते हैं कि विश्व है वो तीन श्रेणियों में बटा है। यानी विकसित देश जो कि पूरी तरह से संपन्न देश माने जाते हैं, ऐसे हम देखते हैं विकासशील देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे हम अल्प विकसित जो कि अभी भी पूरी तरह से संपन्न है वो नहीं है, अभी भी वो एक विकासशील की अवस्था में है। हम देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि मानव विकास प्रतिवेदन, यानी मानव विकास प्रतिवेदन क्या है। मानव विकास जो प्रतिवेदन है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा है, यानी UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा है। ये विकास को मापने का एक नया तरीका है, यानी जो डेवलपमेंट है उसको ये ऑर्गेनाइजेशन है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको मेजर्स करता है और उन मेजर्स के लिए ये विशेष फैक्टर बना कर रखता है कि वह क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट को उस पर मापा जाएगा, देखा जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि ये डेवलपमेंट को है किस हिसाब से देखती है, मापती है। तो हम देखते हैं कि इसमें साक्षरता और शैक्षणिक स्तर, यानी इसमें साक्षरता और शैक्षणिक स्तर, यानी किसी देश की साक्षरता दर क्या है, वहाँ का शैक्षणिक स्तर यानी शिक्षा दर क्या, शिक्षा क्या है, ऐसी वहाँ की आयु क्या है, संभावित आयु क्या है, मातृत्व क्या है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इन सारी चीज़ों पे है वो कैलकुलेशन करता है, गणना करता है। जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पे ये किसी भी देश को ये दर्जा निर्धारित करता है, यानी कि विकसित देश है या विकासशील देश है या वो अल्प विकसित देश है। आगे हम देखते हैं कि सतत विकास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत विकास होता क्या है। अगर हम सतत विकास को माने तो हम मान सकते, एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि सतत विकास यानी एक ऐसा डेवलपमेंट करना, एक ऐसा विकास करना जो कि जो देश की जो आने वाली जो भविष्य है, जो आने वाली जो जनसंख्या पीढ़ी हो उनको ध्यान में रखते हुए विकास करना, यानी ऐसा विकास करना जो कि अपनी ज़रूरतों को तो पूरी करे, साथ ही साथ जो आने वाले जो भविष्य है, जो आने वाली नई पीढ़ी है, उनको भी वो संसाधन है वो उपलब्ध हो सके। तो हम इसे सतत विकास है वो मानते हैं। इस विकास में हम देखते हैं कि स्थायी विकास के लिए पर्यावरण तंत्र और औद्योगिक तंत्र के मध्य सही तालमेल और संयोजन की आवश्यकता है। यानी हम विकास में, डेवलपमेंट में देखते हैं
कि हमारा जो पर्यावरण तंत्र है यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं बना रहे, उससे ज़्यादा कोई प्रभाव ना पड़े उस पर। ऐसे हम देखते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है यानी जो औद्योगिक है, उद्योग धंधे हैं, वो भी सही से अपना कार्य है वो कर सके, यानी इन दोनों के बीच तालमेल हो। साथ ही साथ विकास के नाम पे है वो औद्योगिकरण द्वारा पर्यावरण को दूषित किया गया है। यानी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो पर्यावरण को प्रदूषित है वो करते हैं, पर्यावरण को नुकसान करते हैं। यानी हम देखते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है तो पेड़ पौधों को काटे जाते हैं, जो सड़कें हैं वो कंक्रीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से डेवलपमेंट में पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि विकास के लिए आर्थिक रूप और नीतियों का निर्धारण है वो होना चाहिए, कि डेवलपमेंट के लिए जो आर्थिक रूप है और नीतियों का निर्धारण है वो होना चाहिए। ऐसे देखते हैं हम आगे कि मनुष्य के लिए पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाने चाहिए, यानी मनुष्य है उसके लिए प्रदूषण को रोकने हुए कुछ काम कार्यक्रम तय किए जाने चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण है वो ना हो। इसे अधिक प्रभावी तथा जीव शक्तिशाली देशों में जीवन शैली के साथ साथ जीव जंतु और मानव को पर्यावरण प्रदूषण से बचाए रखने का प्रमाण है वो होना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं कि पर्यावरण को विकास नीतियों के साथ प्रबंध के स्तर पर जोर दिया जाना चाहिए। यानी वास्तव में हम देखें तो जो पर्यावरण है और विकास है कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, यानी स्थायी विकास तभी संभव है वो हो पाएगा। अब हम विकास का प्रचलित मॉडल देखते हैं कि विकास के प्रचलित मॉडल क्या क्या है। तो हमने बात की कि विकसित अविकसित देश, तो हम इसमें देखते हैं कि विकास के प्रचलित मॉडल में हम देखते हैं कि जो भी अविकसित देश या विकासशील देशों ने पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका की तुलना करने के लिए औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण और विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया है, क्योंकि यह सिर्फ राज्य सत्ता के माध्यम से ही संभव है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम देखते हैं कि जो विकसित देश है, विकसित देश यानी जो पूरी तरह से संपन्न है, देखते हैं कि जैसे अमेरिका, कनाडा, चूँकि पूरी तरह से विकसित देश हैं, तो कहीं ना कहीं जो अन्य देश हैं यानी जो अविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो कहीं ना कहीं इन विकसित देशों की कॉपी करके, नकल करके कहीं ना कहीं औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर पर बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा पर बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को है वो प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके जरिए वो तेज आर्थिक उन्नति यानी इन सब चीज़ों के जरिए वो अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे सके और है उसे एक्सपेंड कर सके, बढ़ावा दे सके ताकि जीडीपी है देश की बढ़ सके। तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और जो सारी चीज़ें हैं वो कब हो सकती हैं, जब राज्य सत्ता के माध्यम से ये सारी चीज़ें वो संभव है। आगे हम देखते हैं कि अनेक विकासशील देश है जिसमें भारत भी है वो शामिल है, यानी भारत है वो एक विकासशील देश है, ने विकसित देशों की मदद से अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को शुरुआत किया है। जैसे हम देखते हैं कि भारत भी है वो विकसित देश के सहयोग से अनेक तकनीक के माध्यम से, अनेक सहयोगों के माध्यम से अनेक प्रोजेक्ट को चला रहा है, अनेक तरीकों को कर रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि विभिन्न हिस्सों में जो इस्पात संयंत्र यानी जो स्टील जो हमारी फैक्ट्री है उसकी स्थापना की गई है, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार किया गया, जैसी अनेकों परियोजनाएं वो चलाई जा रही है, जो कि ये कहीं ना कहीं देश की संपदा में बढ़ोतरी करना और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना है। इसमें आप देखते हैं कि इस मॉडल से विकास के लिए जो ऊर्जा का जो अधिकाधिक उपयोग होता है, जिससे इसकी कीमत समाज और प्राण पर दोनों को ही चुकानी पड़ती है। कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट में देखते हैं कि जो ऊर्जा का जो खपत है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, और इसमें इससे समाज को कहीं ना कहीं कीमत इसकी चुकानी और पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि जो विकास के समाज पर पड़ने वाले कुप्रभाव क्या है, यानी किस प्रकार से जब डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें सामाजिक दुष्प्रभाव क्या पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं समाज पे, सोसाइटी पे। तो हम इससे देखते हैं कि विकासशील देशों की प्रभुसत्ता पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे हम देखते हैं कि विस्थापीकरण यानी जब डेवलपमेंट होता है तो कहीं ना कहीं एक जो पर्टिकुलर एरिया है, कहीं ना कहीं समाज है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वहाँ के वो विस्थापित होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी उन्हें अपना घर द्वार है वो छोड़ना पड़ता है। ऐसे हम देखते हैं कि जो बेरोजगारी और गरीबी में इसमें वृद्धि होती है, साथ ही साथ यानी हम देखें कि गरीबी और बेरोजगारी में किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो हम देखते हैं कि जो पहले हाथ से जो मैनुअल तरीके से होते थे चीज़ें, वो कहीं ना कहीं अब मशीनों ने
मशीनों के द्वारा कार्य, वो सारे कार्य हम मशीनों द्वारा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज में बेरोजगारी और गरीबी में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलती है। ऐसे हम देखते हैं कि जनसंख्या के संतुलित वितरण का अभाव, यानी जो हमारी जनसंख्या है कहीं ना कहीं इसके इस पे वितरण पे भी अभाव डालता है। ऐसे हम देखते हैं कि जो सोसाइटी में है कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है, यानी इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहीं ना कहीं एक जो संपन्न वर्ग है इन सभी चीज़ों को करता है और इन सभी चीज़ों का उपयोग करके अपना लाभ वो कमा रहा है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार देखते हैं कि समाज में जो आर्थिक असमानता है, आर्थिक असमानता हमें देखने को मिलती है। ऐसे हम देखते हैं कि संघर्षों आंदोलनों का जन्म होता है, कहीं ना कहीं इन सब डेवलपमेंट के माध्यम से ही कहीं ना कहीं समाज में संघर्ष और आंदोलन का रूप है वो लेता है। आगे हम देखते हैं कि विकास मॉडल की आलोचना और समाज और पर्यावरण द्वारा चुकाई गई कीमत की कहीं ना विकास मॉडल की आलोचना क्यों होती है और कहीं ना कहीं जो एक सोसाइटी और जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से कीमत डेवलपमेंट की है वो चुकाते हैं। हम देखते हैं कि जो विकासशील देशों ने इसके लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ है विकासशील देशों के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही है जिससे वो दीर्घकालीन कर्ज से दब गए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो विकासशील देश है वो कहीं ना कहीं विकसित देशों की कॉपी करते हैं, उनके देशों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी महंगी साबित हुई है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को यानी डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा है, जो वित्तीय है वो ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं वो वित्तीय लागत को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं दीर्घकालीन कहीं ना कहीं वो कर्ज में है, वो डूबे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं वो कर्ज में अभी भी डूबे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो चाइना की जो पॉलिसी है, देखते हैं कि उसने बांग्लादेश को सस्ते दर पे, देखते हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश को, श्रीलंका को कर्ज के तले कहीं ना कहीं अपने तले है वो कर्ज के तले है वो दबा रखा है। तो इसी प्रकार विकास में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं देश है वो एक वित्तीय लागत के लिए बहुत अधिक दर से वो कहीं ना कहीं दीर्घकालिक कर्ज में है वो दबे हुए हैं। ऐसे हम देखते हैं कि बांधों का निर्माण यानी डैमों का निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं, यानी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डैम का निर्माण हो रहा है देश में, ऐसी जो औद्योगिक गतिविधियाँ यानी कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योग धंधे फैक्ट्री जो उनका निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ जो खनन कार्य है, जो माइनिंग्स हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में जो आबादी है वो विस्थापन हो रहा है लोगों का। ऐसे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट कि विस्थापन से कहीं ना कहीं जो एक परंपरागत जो कौशल है वो नष्ट हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो लोग हाथों से जो काम करते थे, जो कौशल होता था वो कहीं ना कहीं अब वो मशीनों का है वो माध्यम ले चुका है, यानी उनकी संस्कृति का भी अब विनाश हुआ है, क्योंकि उनके विस्थापन से एक दरिद्रता के साथ साथ यानी गरीबी के साथ साथ लोगों की जो सामुदायिक जीवन पद्धति है वो होती जा रही है। आगे हम देखते हैं चौथे पॉइंट में कि जो विशाल भूभाग है यानी एक बड़े भाग पे बड़े निर्माण बड़े बांधों के कारण है वो डूब जाते हैं, यानी बड़े बड़े डैम के कारण जो एक विशाल एक जो बड़ा क्षेत्र है जो आसपास डैम के जो आसपास जो क्षेत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, जिससे परिस्थिति का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। ऐसे हम देखते हैं कि जो ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग से यानी ऊर्जा की बढ़ती डिमांड से कहीं ना कहीं पर्यावरण को है उससे नुकसान है वो पहुंचा है, कि उससे जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन है वो बढ़ा है। ऐसे हम देखते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से जो आर्कटिक और जो अंटार्कटिक जो ध्रुव है यानी जो ध्रुव है वो कहीं ना कहीं बर्फ है वो उनकी बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे बांग्लादेश और जो मालदीव है यानी जो समुद्र किनारे जो देश बसे हैं बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले क्षेत्रों को डूबो देने में सक्षम है, यानी वो छोटे छोटे जो क्षेत्र है वो डूब रहे हैं समुद्र बर्फ पिघलने के कारण, जो समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे हम देखते हैं कि जो विकास का फायदा है कि विकासशील देशों में निम्नतर वर्ग तक नहीं पहुँचा, यानी जो विकास का जो फायदा है यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों में जो छोटा जो समाज है, जो निचली समाज है सोसाइटी के, उन तक वो विकास है वो नहीं पहुंच पा रहा, इसके कारण समाज में कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता यानी अमीर और गरीब की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है और सर्वाधिक निर्धन और वंचित तबकों के जो जीवन में है उनमें सुधार है वो नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जो एक विशेष पर्टिकुलर जो समाज सोसाइटी है और पर्यावरण है कहीं ना कहीं से नुकसान हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं,
और इसी प्रकार इससे हम कह सकते हैं कि विकास मॉडल है उसकी आलोचना है वो की जा रही है इन सब रीजन से। ऐसे हम देखते हैं कि विकास की वैकल्पिक अवधारणा क्या है, यानी हम विकास का एक अल्टरनेट क्या तरीका ढूंढ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर विकास की रणनीतियों में स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र में जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता है, वैसे विकास की रणनीति में यानी डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, क्या चीज़ें हों, तो उसमें जो स्थानीय जो लोग हैं उनका निर्णय भी जरूरी हो जाता है, जो निर्णयकारी जो संस्था है उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है। ऐसे हम देखते हैं कि जो ऊपर से नीचे की रणनीतियों को त्यागते हुए विकास की प्राथमिकता क्या है, रणनीतियों के चयन और परियोजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्थानीय लोगों के अनुभव को महत्व देना, यानी इन सब सारी चीज़ों के लिए जो स्थानीय लोग हैं उनको उनके अनुभव को भी महत्व देना और उनकी शान का उपयोग करते हुए उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। तीसरा हम देखते हैं कि न्यायपूर्ण और सतत विकास की अवधारणा को महत्व देना, ऐसी प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना और संरक्षित रखने का है वो प्रयास किया जाना, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी रक्षा करना। ऐसे हम देखते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलकर उन संसाधनों को कम से कम उपयोग करना चाहिए जिनका नवीकरणीय है वो नहीं किया जा सकता, यानी हम संसाधन हमने पढ़ा कि दो तरह के संसाधन होते हैं कि एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे हम देखते हैं कि जिनका ऐसे संसाधन जिसका है दोबारा से उपयोग नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं कि जो कि चीज़ें हैं वो नहीं हैं अनवीकरणीय में, जैसे कि यहाँ पेट्रोल है डीजल है, तो इनका कम से कम है वो उपयोग करना। ऐसे हम देखते हैं कि विकास की महंगी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तथा प्रौद्योगिकी से संबंध सोच से दूर होने की कोशिश करता है, यानी कहीं ना कहीं विकास है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पर्यावरण पे है वो प्रभाव है वो डालता है। आगे हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास से हमारा अभिप्राय क्या है, टिकाऊ विकास से अभिप्राय यह है कि एक विकास की एक ऐसी रणनीति जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, यानी हम डेवलपमेंट करें लेकिन ऐसा डेवलपमेंट करें जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाती हो और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग है वो मितव्ययता के साथ यानी कम से कम किया जाना चाहिए और उन्हें संरक्षित है वो किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि ये टिकाऊ विकास कहा जाता है। ऐसे हम देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति। अगर हम मानव विकास, हमने पढ़ा कि ये जो मानव विकास सूचकांक है वो UNDP इसे निकालता है रिपोर्ट को, तो हम भारत की स्थिति देखें तो क्या है, तो हम देखते हैं कि जो मानव विकास है उसको मापने का एक तरीका है मानव विकास प्रतिवेदन, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रतिवेदन रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हमने पढ़ा कि UNDP है इसे वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है, यानी हर साल है वो UNDP हर देशों का अलग अलग है वो सूचकांक है वो जारी करता है मानव विकास का। इस प्रतिवेदन में हम देखें तो हमने बात किया था कि इसमें साक्षरता, शैक्षणिक स्तर, आयु, संभाविता और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों को दर्जा है वो निर्धारित किया जाता है, यानी किसी देश में साक्षरता दर क्या है, वहाँ का शैक्षणिक स्तर क्या है, आयु क्या है, मातृत्व मृत्यु दर क्या है, तो इन सभी चीज़ों को देख के मानव विकास रिपोर्ट है वो तैयार है वो किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा, इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया कि विकास क्या है, टिकाऊ विकास क्या है, कितने तरह के विकास के देशों को बांटा गया है, देखे हमने देखा कि विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, ऐसे हमने देखा कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, कौन जारी करता है, भारत की स्थिति क्या है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है वो लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।